तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहलिक स्टॉक को लेकर के, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसे, अल्कोहलिक बेवरेज स्टॉक को लेकर के आज हम लोग बातें करेंगे। ये स्टॉक BSE में लिस्टेड है और मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं 6,865 करोड़ का इनका मार्केट कैप। करंट प्राइस चल रहा है 728 का, हाई लगा चुका 903 का, लो है 64 रुपये का। स्टॉक पी है 78 और इंडस्ट्रीज पी है 33। तो स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक महंगा है और इंडस्ट्रीज पी के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। बुक वैल्यू 36 रुपये की। कंपनी डिविडेंड 0.03% का पे आउट कर रही है, मतलब 0.03% का पे आउट कर रही है। ROCE 29% ROE है 30%। फेस वैल्यू 10 रुपये के। दोस्तों जिन भी स्टॉक के अंदर फेस वैल्यू 10 रुपये होते हैं उन स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है स्प्लिट्स और बॉन्स मिलने का। 71% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.51 है। एनुअली प्रॉफिट हो रहा है 110 करोड़ का। डेप्ट है 172 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है। EPS से 11 रुपये की। फ्री कैश फ्लो 20 करोड़ है कंपनी के पास और प्लज परसेंटेज बिल्कुल जीरो है, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिर भी नहीं रखा गया है। आइए हम लोग चलते हैं फ्रॉस की तरफ। उससे पहले बता दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ बनाया जा रहा, ना कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आप बाय और सेल करते हैं तो अपने रिस्क पर बाय और सेल करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं। तो प्रॉस के अंदर हम देख सकते हैं कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी से ये उम्मीद की जा रही है कंपनी अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगी। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 110% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो अपने लास्ट 5 सालों के अंदर 110% गुड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर रही है। देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली नतीजे कैसे हैं। तो देख सकते हैं मार्च 2024 वाले क्वार्टर में 67 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाई कंपनी। मार्च 2023 में 15 करोड़ का। 2022 मार्च वाले क्वार्टर में 18 करोड़ का प्रॉफिट लाई थी कंपनी। क्वार्टरली बेस परफॉर्मेंस अच्छे करके चल रही है और ज़बरदस्त क्वार्टरली नतीजे आ रही है। आप ये भी देख सकते हैं 2023 का जो रिजल्ट है क्वार्टरली, 2022 का जो रिजल्ट है, 2023 का जो रिजल्ट क्वार्टरली, ये कंपेयर करेंगे तो काफ़ी शानदार रिटर्न आ रहा है क्वार्टर वाइज। नेट प्रॉफिट की बात कर ले 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ 2024 मार्च वाले क्वार्टर में। 2023 मार्च वाले क्वार्टर में 2022 मार्च वाले में 6 करोड़ का प्रॉफिट आया हुआ नेट प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं कंपनी क्वार्टरली बेस परफॉर्मेंस लजवाब पर की चल रही है। प्रॉफिट एंड लॉसेस ईयरली बेस पर चेकआउट कर लें तो देख सकते हैं 2024 में 150 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 2023 में 62 करोड़ का है, 2022 में 69 करोड़ का है, 2021 में 52 करोड़ का है, 2020 में 40 करोड़ का है। तो कंपनी कहीं ना कहीं ईयरली बेस पे परफॉर्मेंस अच्छी करके चल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो शानदार है बट नेट प्रॉफिट की चेकआउट किया जाए तो 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो कर रहे 2024 में। 2023 में 22 करोड़ के प्रॉफिट है, 2022 में 29 करोड़ का है, 2021 में 18 करोड़ का है, 2020 में 19 करोड़ का। तो कंपनी ईयरली बेस पे भी परफॉर्मेंस अच्छे करके चल रही है और क्वार्टरली बेस पे भी। ये जो परफॉर्मेंस आपको डाउन होते हुए दिखे हैं ये क्या है, कोरोना काल का टाइम है। ये सब परफॉर्मेंस पहले इंक्रीज हुआ है 2020 में, 2021 में डाउन हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा डाउन हुआ है, फिर कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज होने लगा है। और डिविडेंड की बात करें तो अभी 0% का डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रही है। तो ये कंपनी की मूड की बात होती है, कंपनी कभी अपना पैसा ना प्रॉफिट वाला अपने ग्रोथ में लगा देती है, कभी ऐसा भी होता है कि वो पैसा ना खुश होकर के अपने शेयर होल्डर को भी बांट देती है, ठीक है। तो ये कंपनी की मूड की बात है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो TTM में 30% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 292% है। स्टॉक प्राइस CAGR 59%। रिटर्न ऑन इक्विटी 31% है लास्ट ईयर, लास्ट मतलब 12 महीनों के अंदर का डेटा है ये और काफ़ी ज़बरदस्त डेटा है। बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं मार्च 2024 में इनके पास रिजर्व 245 करोड़ का और इनका रिजर्व ना हर साल इंक्रीज हो रहा है। वहीं कर्ज की बात करें, बॉरोइंग की 172 करोड़ का कर्ज है और इनका कर्ज भी हल्का हल्का करके इंक्रीज होता ही जा रहा है। बट कैश फ्लो 51 करोड़ का कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो 11 करोड़ कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आ जाए तो देख सकते हैं प्रमोटर के पास 70.97% की होल्डिंग, ये होल्डिंग 2022 जून से लगातार बना हुआ है सेम होल्डिंग। और 28% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, ये होल्डिंग पहले 29% की हुआ करती थी, पब्लिक के पास से होल्डिंग थोड़ा सा डाउन हुआ है। देखा जाए पब्लिक के अंदर क्या इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है तो हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। लेकिन बता दें
की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अप स्टॉक और एंजल वन का लिंक है, अप स्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया गया है, तो वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो पब्लिक अंदर इंडिविजुअल्स की होल्डिंग नहीं, जो भी होल्डिंग 28% की वो आम जनता का पैसा लगा हुआ है इस स्टॉक के अंदर। स्टॉक का नाम बता दें पिका डेली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का नाम है, पिका डेली एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। ये कंपनी वाज इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में, स्टार्ट हुई थी कमर्शियल ऑपरेशंस इन 1997, आज से शुगर प्रोसेसिंग कंपनी बनी। लेटर इन 2007 फेल हैज सेट ऑफ डिस्टलरी में कन्वर्ट हुई, मतलब डिस्टलरी का भी काम काज करने लगी, डिस्टलरी यूनिट सेटअप की। एट प्रेजेंट्स टू कंपनी इन एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग शुगर एंड डिस्टलरी प्रोडक्ट एट द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन हरियाणा के अंदर इनका प्लांट्स है, दो यूनिट है, एक शुगर कैन का काम काज करती है शुगर का और दूसरा डिस्टलरी का। अगर हम देखें तो कंपनी ड्राइव है 43% ऑफ इनकम फॉर शुगर सेगमेंट से ला रही है, और शुगर मॉल्सेस पॉमर एंड बेसिस से 43% की रूनी, 57% की रूनी कंपनी डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स जैसे लिक्वायर माल्ट क्लोरोडाइऑक्साइड गैस एथनॉल एंड पेट बॉटल से कंपनी जनरेट कर रही है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कंपनी 43% की रेवेन्यू शुगर से, शुगर के प्रोडक्ट से, और 57% की रेवेन्यू डिस्टिलरी से यानी एल्कोहल के प्रोडक्ट से जनरेट कर रही है। शुगर मिल कॉमर ये देख सकते हैं, पहले शुगर मिल कॉम्बोस्ट क्रशिंग ऑपरेशंस ऑफ सीजन्स 2022-23 क्लोज। देखो पहले शुगर मिल का इनका काम का चलता है, डिस्टिलरी का चलता है, माल्ट प्लांट और एथनॉल पे भी कंपनी कामकाज कर रही है। कंपनी प्रोड्यूस न बल्क लीटर 36,63,949 लीटर बल्क में एथनॉल फ्रॉम गैन सप्लाई कर रही है, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो हमने क्या देखा, कंपनी क्वार्टरली बेस पे परफॉर्मेंस अच्छी कर रही है, ईयरली बेस भी परफॉर्मेंस अच्छे करके दिखला रही है। स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है, मतलब सर नहीं महंगा है तो रियल में आप देख सकते हैं वैल्यूएशन, अगर इनका स्टॉक प्राइस देखें तो कभी ये स्टॉक ना 2023 में ही इनका देख लेते हैं, 2023 में ही ये स्टॉक 43 रुपये की थी, सोच लो 43 रुपये की, 43 बाप रे बाप, मतलब इतना हाई रिटर्न बना करके दिया लोगों को, 43 रुपये के प्राइस से भागा है। और कहाँ तक गया इसने, हाई लगाया 900 रुपये का, मतलब 2,175% का रिटर्न निकाल करके लोगों को दिया। तो जाहिर सी बात इतना रिटर्न देगा तो करेक्शन होना ही चाहिए, महंगा स्टॉक होगा तो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इंडस्ट्री पी के हिसाब से महंगा नहीं है। देखो इंडस्ट्री पी के हिसाब से इसलिए महंगा नहीं है क्योंकि ये ना कहीं अपनी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे ला रहे हैं, ईयरली बेसिस परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखा रही हैं, और कर्ज भी कंपनी के पास कम है, और उसके बाद कैश फ्लो भी कंपनी के पास, और रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से इनकी वैल्यूएशन ना मेंटेन है, बना हुआ है। बस यही इतना हाई रिटर्न देने के बाद भी इनकी वैल्यूएशन अभी उतना ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें हैं। तो लेकिन थोड़ा सा हमें वॉच एंड वेट के लिस्ट में रख करके चलना चाहिए क्योंकि देखो स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है, तो इस लेवल से कम से कम 30-40% का करेक्शन तो बनता ही है। अभी हमारा निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, परफॉर्मेंस अच्छे करके दिखा रही है, इसलिए मैक्सिमम स्टॉक आपको ऊपर के लेवल पे दिखेंगे ही। तो ये नहीं है कि कोई भी स्टॉक है ना तो हम वो हो गए हैं, मतलब हमारे दिल में ऐसा है कि नहीं यार इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, लाभ कर लिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। देखो 25% का करेक्शन दिखला है, 30-40% का करेक्शन अगर होता है तो 30% करेक्शन मतलब 620 के लमसम आएगा ये स्टॉक का प्राइस, और 40-50% करेक्शन दिखला था सपोर्ट यहाँ 56% के करेक्शन पे 397 इस लेवल पे आकर के स्टॉक को सपोर्ट लेना चाहिए, या तो फिर इधर कहीं, ठीक है, 622 के प्राइस में अगर इधर कहीं अपने नज़रों में मिलता है डेफिनेटली अपने नज़रों में बना करके चला जा सकता है, ठीक है, मतलब इधर कहीं अगर दिखता है तो अपने नज़रों में बना करके चला जा सकता है। तो इस तरह से कुछ हम कामकाज कर सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जब स्टॉक रहना तो दूरी बना करके चलने में ही भलाई रहता है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि आज हम वो कर लें, कल निफ्टी हमारा डाउन परफॉर्मेंस करने लगे, फिर सारा स्टॉक नीचे आने लगे, तो आपने ऑल टाइम हाई पे एंट्री ले लिया और आपका पोर्टफोलियो हाँ 25% 30% 40% के करेक्शन मोड में दिखलाने लगे, तो आप अगर नए इन्वेस्टर रहते तो उन्हें हार्ट अटैक आता, कहते भैया बस मुझे लॉस लगने लगा, वो तुरंत सेल करके बाहर निकल जाते हैं। स्टॉक मार्केट का मतलब होता है थोड़ा संयम बरतना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग रन के लिए आइए तब स्टॉक मार्केट में आइए, इक्विटी में आइए। वैसे आपको इक्विटी में आने का मतलब ये लॉन्ग रन के लिए आइए, ऐसे छोटे मोटे समय के लिए आएंगे तो कुछ पैसा वैसा नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली समझा दे कि हमारी कही हुई बातें 100% गलत हो सकती है, क्योंकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, इसीलिए जब भी बाई और सेल करें तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले उसके बाद ही बाई और सेल करें, या खुद का रिसर्च ऐड करने के बाद बाई और सेल करें, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ बनाया जा रहा है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। साफ साफ शब्द में हमने आपको समझा दिया है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो मल्टीबैगर रिटर्न रखने का हौसला रखता है, बट क्या है मल्टीबैगर रिटर्न तो तत्काल बना करके दिया है, तो अभी रेस चाहिए कि नहीं, आप दौड़ते 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 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चले हैं तो आपको भी आराम चाहिए होता है, शरीर को आराम देना होता है। सेम उसी प्रकार से स्टॉक भी चलते हैं, जब स्टॉक भागते हैं फिर उन्हें रेस्ट भी चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि रॉकेट है भैया फ्यूल कभी ख़त्म ही नहीं होगा, है तो ऐसा नहीं कुछ होता है, फ्यूल ख़त्म होता है, इंजन को भी आराम करने के लिए चाहिए, तो सेम उसी प्रकार से ये भी है, तो आराम चाहिए। तो देखो रेस्ट ले रहा है, हाँ ठीक है, 900 के प्राइस से स्टॉक टूट करके कहाँ आया, 900 के प्राइस से टूट करके 728 के प्राइस में आया, तो 30-40% का करेक्शन दिखलाता है वह अपनी वैल्यूशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। लोग ना एक्साइटेड हो जाते हैं जब स्टॉक भागता 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 भागता, क्या बाई करते हैं बाई करते बाई करते बाई करते हैं, जब लगता है उन लोग को बहुत ज़्यादा बाई हो गया है, बहुत ज़्यादा लोग खरीदारी कर लिए, बहुत ऊपर का रिजल्ट बन गया है, तो जो बड़े निवेशक होते हैं वो शेयर करने लगते हैं। जब स्टॉक गिरने लगता है तो सबके माइंड में ये ख्याल आता है नहीं यार मैं भी सेल कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉफिट जो भी आया है ना वो भी जाएगा। तो जो नए लोग रहते हैं वो तो और पहले सेल कर देते हैं, ज़रा सा घाटा लगता है बस सेल करके निकलते, तो यही सब रीज़न है। मान लीजिए जो बंदा यहाँ कहीं बाई किया होगा, इतना प्रॉफिट दिखलाएगा 2000 का, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा, सेम चीज़ चलता है, वो प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर स्टॉक डाउन साइड में आता है 30-40% का, फिर खरीदारी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ काम काज होते हैं स्टॉक अंदर में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ बनाया जा रहा है, ना कि बाई और सेल करने के लिए। अगर आप बाई और सेल करते हैं तो आप अपने रिस्क पर बाई और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाई और सेल करके चल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।